आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी सेशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी सेशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी सेशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी सेशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल
यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषित्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति, यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शेषित्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शेषित्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शेषित्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकालिया इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषित्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति, यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शेषित्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शेषित्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शेषित्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकालिया इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषित्री, आदित्य पंचोली जैसे
प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में
बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग
को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शेषित्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म
अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म
अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म
अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला
8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है।
1991 की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की
8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में है, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है, सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई
78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में है। सपना के रूप में अनुमृता सिंह है, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है।
यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है, साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुब्रता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुब्रता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी हैं। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी हैं। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिलीजुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिलीजुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं, जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है, मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं, सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सर्कल 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली, फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुब्रता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जैकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुब्रता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है, जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामी सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान, और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी, तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है जिंदगी, यह गीत हमें देखने को मिला है। यह गीत काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था। फिल्म का दूसरा गाना मुझे आज कुछ कहना है, यह गाना सुदेश भोसले और अलका याज्ञिक के द्वारा गाया गया है। फिल्म के
कास्ट में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर वर्मा के भूमिका में हैं। जॉकी श्रॉफ ने शेखर के रूप में काम किया है। मीनाक्षी शशिद्री सीमा के भूमिका में हैं। सपना के रूप में अनुमृता सिंह हैं, जबकि पुलिस आयुक्त के रूप में शशि कपूर ने अभिनय किया हुआ है। आज मैं आपको 1991 अकाल्या इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म 1991 में हिंदी भाषा के साथ जारी हुई थी। अकायल यह फिल्म का नाम है जिसे एक्शन और थ्रिलर फिल्म के लिए जारी किया गया। अकायला रामे सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म है। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शशिद्री, आदित्य पंचोली जैसे प्रमुख अभिनेता भी है। इस फिल्म में कई सारे अभिनेताओं को दोहरी भूमिका के साथ शशि कपूर को भी एक विशेष रूप में दिखाया जाता है। शोले, शान और शक्ति यह सभी फिल्में बच्चन और सिप्पी ने मिलकर की थी तथा यह फिल्म चौथा सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यह शशिद्री और कपूर के साथ उनके आखिरी ऑन स्क्रीन सहयोग को भी चिन्हित करता है। साथ ही श्रॉफ के साथ उनके पहले सहयोग को भी इस फिल्म ने सहयोग किया। बाद में शशिद्री और श्रॉफ ने एकलव्य और सरकार 3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म अकायला 8 नवंबर 1991 को दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को लोगों से आमतौर पर मिली जुली हुई समीक्षाएं देखने को मिली। फिर भी यह दुनिया भर में एक सफलतापूर्वक चलने वाली फिल्म मानी गई और फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई भी की है। 1991 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम लिया जा सकता है। फिल्म का वितरण MR प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जबकि रिलीज की तारीख इस फिल्म की 8 नवंबर 1991 होने वाली है। देश इसका भारत है और इसकी भाषा हिंदी थी। फिल्म का बजट कुल 50 मिलियन रुपीस का हमें देखने को मिला था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 78 मिलियन रुपीस की है। आगे फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी जानकारी देखते हैं। फिल्म में कुल 5 गीतों का प्रमुख भूमिका में इस्तेमाल किया गया है। पहला गाना कहती है।